बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले की जांच अब रफ्तार पकड़ने लगी है। इस केस में सीबीआई ने तत्कालीन आईएएस केपी रमैया समेत 60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया है। सभी आरोपियों पर पटना के स्पेशल कोर्ट में एंटी करप्शन एक्ट की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। वही सृजन मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। इधर भागलपुर से जुड़े चर्चित सृजन घोटाला मामले में बुधवार को सीबीआई ने मुख्य आरोपी रजनी प्रिया और अमित कुमार के कई ठिकानों पर इश्तेहार चिपकाया। सीबीआई की टीम पटना से भागलपुर पहुंची है। सीबीआई की टीम ने तिलकामांझी थाना क्षेत्र के न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के अलावा कई ठिकानों पर इश्तेहार चस्पा किया। आज अमित और प्रिया के 5 ठिकाने पर इश्तेहार चिपकाया गया। वहीं सीबीआई की टीम ने ढोल नगाड़े के साथ अमित प्रिया के ठिकाने पर पहुंची। लोगों से सीबीआई की टीम ने अपील किया कि अमित और प्रिया अगर कहीं भी दिखे तो स्थानीय थाना को सूचित करें। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि माननीय सीबीआई कोर्ट पटना के द्वारा श्रीमती रजनी प्रिया वाइफ ऑफ अमित कुमार निवासी प्राणवती लैन तिलकामांझी थाना में उद्घोषित अपराधी सृजन घोटाला RC 1217 सृजन स्कैम अपराधी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। अगर किसी को इसके बारे में कोई सूचना मिलती है तो नजदीकी थाना तिलकामांझी में सूचित करें। गौरतलब है कि सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी अमित और प्रिया अभी सीबीआई के पकड़ से बाहर है। सभी को मानना पड़ेगा। क्या कुछ ने इश्तिहार छापा गया? इश्तिहार है, कोर्ट ने आदेश दिए थे, उसी के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को नाथनगर अंचल एवं प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने अंचल कार्यालय के कई संचिका में त्रुटियां पाई। मौके पर डीएम ने फेसबुक संधारित नहीं किए जाने पर प्रधान लिपिक और नाजल से स्पष्टीकरण पूछा है। साथ ही अंचल अधिकारी स्मिता झा को 15 दिनों के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं आने पर सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वही जिलाधिकारी ने अंचल की स्थिति अच्छी नहीं रहने और फाइलों के पेंडिंग रहने पर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने सीओ स्मिता झा को सोमवार तक सारा लेखा जोखा अपडेट करने का निर्देश दिया है। ये औचक निरीक्षण था, लोगों ने देखा है, कर्मी वगैरह तो उपस्थित थे लेकिन अंचल की स्थिति अच्छी नहीं है। कैशबुक वगैरह जो है प्रॉपर संधारित नहीं किया गया है, तो इसमें हम लोगों ने प्रधान लिपिक और नाजिर से स्पष्टीकरण पूछा है। उनका वेतन स्थगित रहेगा जब तक कैशबुक नहीं लिख लेंगे, और अगर ये सोमवार तक नहीं लिख लेते हैं तो निलंबित होंगे। और इसके अतिरिक्त जो नापी से संबंधित वाद है उसका भी प्रॉपर जो है रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। म्यूटेशन के मामलों में जो है अंचल में काफ़ी मामले लंबित है, 15 दिन की मोहलत दी गई है, उसमें अगर सारे लंबित मामलों को अगर निष्पादित नहीं किया गया तो हम लोग फिर संबंधित पदाधिकारी और कर्मी सभी के विरुद्ध जो है हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट निर्देश जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं और अंचल अधिकारी, ये बता दिया गया है। 15 दिन का समय है, प्रॉपर डिस्पोजल जो पेंडिंग एप्लीकेशन है वो सारा हो जाना है, और अगर नहीं होगा तो हम लोग इसमें अनुशासनिक कार्रवाई। झारखंड के गुड्डा में एक प्रेमी जोड़े के प्यार के आगे धर्म के सारे दीवार टूट गए। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म अपनाते हुए अपने प्रेमी से शादी कर ली। धर्म की दीवार को धाराशाही करते हुए लड़की ने अपने एक साल के प्यार के बंधन को अब शादी के बंधन में तब्दील कर लिया। बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म को स्वीकार किया। खबर गोड्डा जिला के मोहरमा क्षेत्र का है, जहां राम कुमार नाम के लड़के को मुस्कान खातून नाम की लड़की ने कोर्ट में जाकर अपना जीवन साथी बना लिया। लड़की ने कोर्ट में अपनी बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं और मैं इस शादी से खुश हूं। साथ ही लड़की ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। वही कोर्ट में बयान देने के बाद लड़की को पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान किया गया और लड़की को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। लड़का ने कहा कि हमारे परिवार वाले भी इस शादी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की ओर से धमकाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा। मुस्कान कुमारी, कहाँ घर है आप लोगों का? मेरा घर। अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त
हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए, तो आपने हिंदू धर्म को अपनाया, तो क्यों अपनाया आपने हिंदू धर्म को? इसका संस्कृति अच्छा लगा इसलिए आप हिंदू धर्म को अपनाया। तो क्या यह शादी आप लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कोई आप लोगों का किसी का दबाव नहीं, मतलब लड़का के दबाव में आकर के तो शादी नहीं कर रहे हैं ना, इसके अलावा किसी का दबाव है क्या, मतलब घर वाले से किसी से डर, कोई खतरा, किससे डर है आपको? मेरे घर वाले से, मेरे मौसा, मतलब कौन कौन, क्या नाम बता सकते हो? कौन कौन है? मेरे मौसा, मामा और पापा। अच्छा, उनसे डर है जी। अच्छा, कोई धमका रहे हैं आप लोगों को जी? गंगा नदी के किनारे बसे शहर भागलपुर में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा उत्सव की शुरुआत बुधवार से हो गई। 3 दिवसीय मेगा इवेंट भागलपुर नगर निगम प्रशासन की देखरेख में आयोजित किया गया है। उत्सव के पहले दिन बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा महाआरती, रंगोली और गंगा स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश यादव ने बताया कि गुरुवार को सीढ़ी घाट पर भजन संध्या कार्यक्रम होगा, जबकि शुक्रवार को स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त डॉक्टर योगेंद्र कुमार सागर के निर्देश पर गंगा उत्सव 2022 के तहत मेगा इवेंट कराया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि गंगा उत्सव मेगा इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर जटाशंकर मिश्रा है। इस अवसर पर काफी संख्या में स्कूली बच्चे, आसपास के लोग और नगर निगम के कई कर्मी मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय के द्वारा के निर्देशन पर आज गंगा उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। आज रंगोली और गंगा महाआरती और गंगा शपथ का कार्यक्रम है, कल भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, परसों स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। गंगा को साफ रखें, अगल बगल को सफाई रखें, गंगा को स्वच्छ रखें, ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा भागलपुर के जिला स्कूल परिसर में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले के अंतिम दिन अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोजगार मेले में 8वीं कक्षा से लेकर डिप्लोमा उत्तीर्ण युवाओं ने भाग लेकर नौकरी पाने का अवसर तलाशा। सुबह से ही जिला स्कूल के प्रांगण में युवाओं की भीड़ जमा होने लगी थी। इस दौरान युवाओं में रोजगार को लेकर काफी खुशी देखी गई। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय के प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला में नियोजक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए निःशुल्क रोजगार का अवसर प्रदान किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 40 कंपनियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के 5000 से अधिक पद के लिए अवसर प्रदान किया गया। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि आज हमारा 41 काउंटर है, आज भी पूरा काउंटर फुल है, पूरी कंपनियां आई हुई हैं, जो शेड्यूल्ड कंपनियां थी उसके अलावा भी एक दो अच्छी कंपनी आई हुई है। और काफी खुशी की बात है कि करीब इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सेक्यूसेफ के द्वारा जो बीटेक किए हुए लोग हैं, बीटेक मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इनके द्वारा करीब 40 लोगों को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र बांटा गया। इसके अलावा भी 3-4 कंपनियों के द्वारा दर्जनों की संख्या में जो नियुक्ति पत्र हैं अभी बांटे गए हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद ब्राह्मण टोला के रहने वाले युवक के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। वही अपहरित युवक अमित झा के पिता सदानंद झा एवं वार्ड पार्षद पप्पू झा ने बताया कि अमित झा जमीन का कारोबार करते हैं, जो मंगलवार की शाम घर से निकले लेकिन वापस घर नहीं आए। वही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है, जबकि अहले सुबह अपहरित युवक अमित झा का स्कॉर्पियो कमरा एवं उदाडी के बीच लावारिस अवस्था में मिला।
पुलिस को सूचना देने पर पुलिस स्थल पर पहुंचकर स्कॉर्पियो को बरामद करते हुए अपहृत युवक की खोजबीन में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि देर रात से स्कॉर्पियो लगी हुई थी। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने स्कॉर्पियो से अपहृत युवक का जैकेट और अन्य सामान बरामद किया है। रात में जो सामने गाड़ी लगा यहाँ पे जिस समय लगा हुआ था उसे एक व्यक्ति तो उतरा तो जरूर उतरा। उतरने के बाद वो बाथरूम करने के लिए गया। जी जी। बाथरूम करने के बाद वो गाड़ी लॉक करके कहीं चले गए। अब किधर गए ये हम मैंने नहीं देखा, लेकिन रात 10 बजे मैंने फिर से देखा कि गाड़ी एक जगह ही खड़ी है। क्या बात है क्या नहीं है, तो मैंने टॉर्च ले जा करके उसको पूरा सर्च किया। गाड़ी में केवल जैकेट पड़ा हुआ था, एक छोटा अटैची था, जो कि मैंने पूरा खंगालने के बाद अड़ोस पड़ोस में भी पता किया तो बोला कि नहीं भाई मेरा तुलसी का गाड़ी की नहीं है। जो मैंने थाना में भी सूचना देने की कोशिश की लेकिन लैंडलाइन पे कोई रिसीव नहीं कर पाया। तो घर से 2 बजे निकला है। कौन निकला है? अमित कुमार जी जी। कहाँ? सदानंद झा, ग्राम शाहबाद के हैं जी जी, हमारे वार्ड से हैं जी जी, हम वहाँ के प्रतिनिधि हैं जी जी। वहाँ से निकला है अपने गाड़ी से, यहाँ तक आया है। उसका मोबाइल का लोकेशन बता रहा है कि वो असरगंज तक गया है, अच्छी रहमतपुर तक गया है। रहमतपुर से फिर गाड़ी यहाँ लगी हुई है। कहाँ? कल से ही गाड़ी यहीं पर लगी हुई थी। कौन जगह? कौन जगह बोलते हैं इसको? गाड़ी के थोड़ा सा नारा पुल से आगे कमरा चौक से पहले, पहले नारापुर से आगे कमरा से पीछे, कमरा से लगभग रखिए 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे गाड़ी लगा हुआ। गाड़ी लगा हुआ? किसका गाड़ी लगा हुआ? अमित कुमार का, अपनी गाड़ी है, अपने गाड़ी से आया था। सुल्तानगंज के करहरिया पंचायत में एसडीओ धनंजय कुमार, कुमेटा पंचायत में सीओ शंभू शरण राय, खानपुर पंचायत में वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने चल रही योजनाओं की जांच पड़ताल की। सुल्तानगंज प्रखंड में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा 4 पंचायत का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने पंचायत का निरीक्षण करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र, नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केंद्र, जन वितरण प्रणाली, दुकान सहित सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं की जांच की। एसडीओ और सीओ ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पंचायत में चल रही योजनाओं की जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। वहीं नयागांव पंचायत में भूमि सुधार उप समाहर्ता रविकांत सिन्हा के नहीं पहुंचने पर नयागांव पंचायत का जांच नहीं हो पाया है। इस दौरान पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि मंटू कुमार, इंदिरा आवास सहायक राजीव कुमार, जयदीप कुमार, पीआरएस राहुल कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। कुमेठा पंचायत का निरीक्षण किया गया। जल, नल, आंगनबाड़ी, विद्यालय, पैक्स, बोरिंग, भिन्न भिन्न चीज़ जो पंचायत से संबंधित होते हैं, गृह आवास, वृद्धा पेंशन, सभी चीज़ों का जांच किया गया। जांच रिपोर्ट हम लोग जिला को भेज दिए। सर, कुमेठा पंचायत में एक नंबर वार्ड में जो है जल धन योजना जो बनाई है, जल मिला, उसमें जो है सर पैसा निकासी भी हो गया, न टेंकी बैठी है, बैठा है, न दरवाजा नहीं, कुछ तरह की? हाँ, उसमें डिफॉल्केशन का केस है जैसा पता चला, उसमें चल रहा है। 2-3 जल मीनार का मामला था, 2 को तो सुलझा लिया गया है, 1-2 बचा हुआ है। भागलपुर इंटर लेवल जिला स्कूल में किशोर लड़कों और लड़कियों के लिए सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आत्मसम्मान आधारित जीवन कौशल कार्यक्रम की शुरुआत 14 नवंबर से हुई है, जो 26 नवंबर तक चलेगा। सत्र 4 बैच में चलाया जा रहा है। वही लाइफ स्किल कार्यक्रम का उद्घाटन डीपीओ देव नारायण पंडित एवं कार्यक्रम पदाधिकारी सुनीता पंडित के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण में प्रत्येक दिन विभिन्न संबंधित प्रखंड से आए शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सुनीता पंडित ने कहा कि समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता, आदर्श रूप, मीडिया में आदर्श रूप, रूप रंग की तुलना को समझना, शारीरिक बनावट से जुड़ी हानिकारक बातों को संबोधित करना तथा सामाजिक कुरीतियों के प्रति अपने अपने विद्यालय के बच्चों को सजग एवं जागरूक बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि जेंडर स्टीरियोटाइप, बॉडी टॉक एवं इससे होने वाली हीन भावना से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए खुद को आने वाले परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए तैयार रखना प्रशिक्षण के मूल उद्देश्यों में शामिल है। इधर राज्य स्तरीय प्रशिक्षक साधन सेवी शालिनी कुमारी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सीखने और उनके कौशल विकास में निवेश करना है। डीपीओ ने कहा कि आधा फूल नामक कॉमिक बुक्स की श्रृंखला बच्चों के बीच सकारात्मक शारीरिक छवि और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
जंगल में था बंदर, बंदर मस्त कलंदर, जंगल में था बंदर, बंदर मस्त कलंदर, बंदर की हम चाल चलेंगे, ला 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 ला, बंदर की हम चाल चलेंगे, ला 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 ला, गोल गोल घूमेंगे हम खेल खेल खेलेंगे, गोल गोल घूमेंगे हम खेल खेल खेलेंगे। इससे पहले ये प्रोग्राम कभी नहीं चला था, वाकई में ये प्रोग्राम जो चला है, हम लोग जो ट्रेनिंग ली है लेकर के, ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम जो अभी चला है इससे पहले अगर मिलता तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हर कोई मनुष्य है, थोड़ा खराबी और अच्छाई सभी में होती है, जो हम लोग शुरू से सुनते आए हैं वही हम लोग करते भी आए, लेकिन ये प्रोग्राम विशेष तौर पर बताया गया है क्योंकि रियल में हम जैसे इतने सदन में है, कोई एक बेस्ट और एक कोई खराब नहीं होता, सभी के सभी बहुत अच्छे हैं, खराब कोई नहीं होता, सब में गुण अलग अलग होता है, बस है कि पहचानने की आवश्यकता है। 10 प्रोग्राम में 10 जो भी खूबी हो उसमें अच्छे में कोई 5 में, कोई 10 में, 5 2 में, 1 में ऐसे होता है, अब वो देखने की अपनी इच्छा होती है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद मोहम्मद कारी सोहेब को बिहार विधान परिषद के अल्पसंख्यक कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वही अध्यक्ष बनाए जाने पर सोहेब ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के प्रति आभार प्रकट किया। इधर मोहम्मद सोहेब को बधाई देते हुए युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है उस पर ये पूर्णतः खरे उतरने का करेंगे। आजाद ने बताया कि सोहेब के मनोनयन से सभी समुदाय के युवाओं के बीच हर्ष का माहौल है। मोहम्मद सोहेब के मनोनयन पर छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार, मोहम्मद शाहीन रजा, मोहम्मद सुफियान खान, संजय यादव, सुनील यादव, शांतनु रावत, आशुतोष यादव और उमर ताज अंसारी ने भी प्रसन्नता जाहिर की। भागलपुर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रांगण में बुधवार को वाणी प्रकाशन ग्रुप की ओर से पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन TNB कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय चौधरी, PG हिंदी विभाग के HOD प्रोफेसर योगेंद्र, डॉक्टर अरविंद मधु, मीनाक्षी चतुर्वेदी, अमोद मिश्र एवं रवि भूषण ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में साहित्य संसद, साहित्य चर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। पुस्तक मेला में कई विधाओं की पुस्तक उपलब्ध है। कार्यक्रम के दौरान साहित्य चर्चा में वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, साथ ही प्रोग्राम में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के संयोजक दयानंद जायसवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है साहित्य को समृद्ध बनाना। यह 7 नवंबर कार्यक्रम है, 2 सत्रों में इसका कार्यक्रम होगा। प्रथम सत्र परिचर्चा में 11 बजे से आरंभ है और 3 बजे तक है। विभिन्न परिचर्चाएं होंगी जिसमें कल राजबिहारी मिशन के द्वारा साहित्यकारों का सम्मान समारोह आयोजित
जब्बारचक में मंगलवार की रात जलसा का आयोजन किया गया। इसके पूर्व हजरत अब्दुल जब्बार शाह की मजार पर अकीदत मंदों ने चादर पोशी की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। वही जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर उलेमाओं ने तकरीर पेश किया, जबकि नादिया कलाम की शानदार प्रस्तुति से शायरों ने महफिल में समा बांधी। इस अवसर पर सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे।